It's not working, sir. Okay, no problem. So, thank you, friends. So, thank you, friends, and my name is Arvind Singh. I am chairman of the All India Unorganized Workers Congress. It is perhaps the newest department of Congress Party, and it was launched on 16th November 2017. So, this year on 16th November 2021, we'll be celebrating fourth Foundation Day. And within this short period of time, and it's primarily because of the party structure of Congress Party and also because of the support we have been given by Rahul Gandhiji, we have been able to reach out to large number of unorganized workers in around 25 states, and we have taken up issues of unorganized workers across the states. So हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि जो अनऑर्गेनाइज असंगठित मजदूर हैं, जो फॉर्मलाइज नहीं है, जो बड़े फैक्ट्रीज में या बड़े कॉर्पोरेट्स के यहाँ काम नहीं करते हैं, जो छोटे छोटे धंधे में है, उन असंगठित मजदूरों को ऑर्गेनाइज करना और उनके मुद्दों को उठाना, उनकी बातों को सरकार के सामने रखना. कांग्रेस पार्टी का जब मैनिफेस्टो तैयार होता है राज्यों में, मैनिफेस्टो में हम असंगठित मजदूरों का बात को रखते हैं, और यदि हमारी सरकार होती है जहां पे भी, तो वहां पे हम लोग असंगठित मजदूरों का काम करवाने का कोशिश करते हैं. उनके लिए कानून बनवाना हो या उनके लिए कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम, कोई स्कीम लॉन्च करवाना हो. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा जो काम है वो है, यदि कहीं भी कोई भी अनऑर्गेनाइज वर्कर कोई भी समस्या में घिरा हुआ है, तो उसको हम लोग मदद करते हैं ताकि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का शोषण नहीं हो सके. फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट द कंडीशन ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स इज वेरी बैड, डिप्लोरेबल इन आवर कंट्री, एंड मेनी अ टाइम्स दे आर लाइक मॉडर्न स्लेव्स, और उनको उसी ढंग से स्लेव्स के जैसे बहुत जगह रखा जाता है, जबरदस्ती काम करवाया जाता है. उनके ठेकेदार उनका शोषण करते हैं, उनके एम्प्लॉयर्स उनको शोषण करते हैं, उनको टाइम पे पैसे नहीं देते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको नहीं मिलता है. तो इन सब मुद्दों को हम लोग बहुत तेजी से उठा रहे हैं, और आपको जानकर ये खुशी होगी कि बहुत दबाव बनाने के बाद भारत सरकार ने 26 अगस्त को एक श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड लॉन्च किया है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ई श्रम कार्ड में ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को एनरोल कराएं, और ई श्रम कार्ड में जितने भी मजदूर एनरोल हुए, अभी तक करीब 2 करोड़ मजदूर भारत में एनरोल हो चुके हैं, और जल्दी हम लोग ये मुद्दा उठाने वाले हैं कि जो मजदूर ई श्रम कार्ड में एनरोल है, जिनके पास भी श्रम कार्ड है, उन सारे मजदूरों को हेल्थ बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उन सारे मजदूरों को लाइफ कवर मिलना चाहिए, और उन सारे मजदूरों को पेंशन का एश्योरेंस सरकार की ओर से होना चाहिए. तो इसी सब कुछ मुद्दों के साथ हम लोग काम करते हैं. तो चाहे वो पंजाब में पल्लेदार हो, हेडलोडर्स का मुद्दा हो, चाहे वो दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर्स का मुद्दा हो, चाहे कहीं पे ऑटो वाले का मुद्दा हो, गुजरात में बहुत ऑटो वाले के मुद्दा है, महाराष्ट्र में बहुत ऑटो वाले के मुद्दा है, चाहे वो मनरेगा के मजदूरों का मुद्दा हो, मनरेगा का भी बहुत मुद्दा हम लोगों ने उठाया है, और मनरेगा का मुद्दा उठाने के लिए हम लोगों ने 15 अगस्त को मनरेगा सम्मान दिवस कई राज्यों में ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें जो मजदूर 100 डेज काम कर चुके हैं उनको हम लोगों ने सम्मान किया, और उसी के माध्यम से मनरेगा के मुद्दों को उठाया. तो इस ढंग का कहीं भी जहां भी जैसे मजदूर है, जिस कैटेगरी ऑफ मजदूर है, उनकी बात को हम लोग उठाते हैं, और कोशिश यही रहती है हमारी कि सिर्फ बातों को नहीं उठाया जाए, बल्कि असल में कोई मजदूर को कोई मदद की जरूरत है तो उसको मदद भी किया जाए. दुख की बात है कि हम लोग गोवा में बहुत कुछ नहीं कर पाए. हमारा इसी आने का उद्देश्य यही है कि हम गोवा में बहुत जल्दी से हम चाहते हैं कि संगठन यहाँ पे खड़ा कर सके, ताकि गोवा के जो मजदूर हैं, असंगठित मजदूर हैं, उनको भी मदद मिल सके. सर, हमारी तरफ से आपका बहुत स्वागत है. गोवा टीम छोटी है अभी, बट बड़ी हो रही है.
कार्यक्रम। जैसा कि अरविंद सिंह जी ने कहा है कि हमारा जो गोवा में असंगठित क्षेत्र जो है वो काफी तादाद पे उनके मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, और हमारा जो असंगठित सेक्टर है उसमें दो कैटेगरीज पड़ती हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल गोवन प्रोफेशंस हैं, जैसे कि हमारे रापोनकर हो गए, हमारे जो खजान के बंद को रिपेयर करते हैं वो हो गए, हमारी मेड्स हो गई, ये सारे, और पायलट्स हो गए, ये एग्जांपल्स हैं असंगठित वर्कर्स के। तो जो 69 ट्रेडिशनल हमारे प्रोफेशंस हैं अंडर द गोवन ट्रेडिशनल प्रोफेशंस, वी वुड लाइक टू रेज इश्यूज फॉर देम एज वेल एज द अदर मॉडर्न प्रोफेशंस व्हिच फॉल अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन गोवा। So we have started with appointing two presidents of two different blocks in Goa, and I would like to introduce them first. Joyce Mary Dias, she is the president of Sant Andre block. She was the very first office bearer to be appointed in Goa. And to my right, we have Mr. Sanjay Ghatwal, who is the president for AIUWC in Santa Cruz constituency. And today, in Arvind Singh Ji's presence, we will be appointing four more office bearers for the AIUWC from different constituencies. And I would like to invite them one by one. So from Panjim, I would like to first invite Mr. Prabhav Mahambre, who is going to be appointed as the president. From Kontali constituency, we have Mr. Arun Dalve, who is being appointed as the president. And from Dabolim constituency, we have Mr. Sachin Hargi, who is going to head the constituency as the president for AIUWC. Although she is not here today, posthumously we would like to appoint. We are appointing a president for Aldona constituency. Her name is Jyotsna Nagade. She could not be with us today, but she will be heading Aldona for AIUWC. So thank you so much. I would now request all of our new appointees, and also first of all, starting from Joyce to Mr. Sanjay ji, to share a few words about their background and their vision for their work. My name is Joyce Mary Dias, and I'd like to thank each and every one over here for giving me this opportunity to work with them and trust in me. And I would like to help and be there for each and every woman who needs help. So I have been there for them anytime, in any situation. I'll be working for them as a social worker. Thank you. Thank you, Joyce. Mr. Ghatwal, if you can share a few words. Yeah. First of all, thank you, Chairman, sir, and State Coordinator, Dev Survey. Jenny has initiative with Goyan, the unorganized sector of Lagoon, block president appointed. आता म्हणजे फक्त पाच स जाण अपॉइंट केले असतात, शॉर्टली सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन अपॉइंट केले जातले. तुमका खबर असा की अनऑर्गनाइज सेक्टर जे असा तितूर मोटरसायकल पायलट्स येतात,
टैक्सी ड्राइवर्स येतात, वेजिटेबल वेंडर्स येतात, सीजनल वेजिटेबल वेंडर्स येतात आणि आर्टिसन्स येतात, त्यांना बाकी जे इंडस्ट्रियल वर्कर्स असतात पण फॉर एक्झाम्पल इंडस्ट्रीज म्हणून सर्व्हिस इंडस्ट्री म्हणून हॉटेल इंडस्ट्री त्यांना स्टॅच्युटरी बेनिफिट्स पण भरपूर मिळतात. त्यांचे इश्यू जे असतात फॉर एक्झाम्पल मिनिमम वेज वर्कमेन्स कॉम्पेन्सेशन ॲक्ट म्हणून सेफ्टीचेर हायजीन वेरियस आमचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स असतात ती मॉनिटर त्यांचे इश्यूज जे असतात पण ती मॉनिटर करतात. पण हे अनऑर्गनायज सेक्टर जो असा त्यांचेर कोणाचेर तसे लक्ष ना. ते फॉर एक्झाम्पल आता आमचे मोटरसायकल पायलट्स असतात पळय ते पावसान हुंतान असे बाबा ओपन हितूर रावून ते आपल्याचो बिझनेस करतात फॅमिलीक त्यांना चलोवपाक जाय म्हणून त्यांना एक प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर जाव. फॉर एक्झाम्पल त्यांना एक बारीकशी शेड दिली आणि प्रॉपर वॉशिंग वॉशरूम बीन दिलो जाल्यार एक हेल्पफूल जातले त्यांना. कारण इट इट असे हुंतान बीन रावून तिथे हेल्थाचेर इफेक्ट जातात. सिमिलरली टॅक्सी ड्रायव्हर बीन असतात पळय त्यांचे इश्यू जातात. ते सपोज फॉर एक्झाम्पल खंयचे हॉटेल असतात त्या हॉटेलाच्या भायर खंयसरी खंय रावतात आणि आपल्याचो बिझनेस करतात त्यांना सुद्धा एक प्रॉपर जागा आयडेंटिफाय करून त्यांना प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक जाव. फिश वेंडर आसा तुम्ही आता फिश मार्केटान जर वयशी तर पॅथेटीक कंडिशन असतात अनहायजेनिक कंडिशनान ती बाबा बायलां वेजिटेबल वेंडर जे असतात पळय ती आपणाची बिझनेस करतात. सो हे इश्यूज जे असतात पळय ते आम्ही AIUWCच्या थ्रू हायलायट करतले पर्टिक्युलर गव्हर्नमेंट एजन्सीक आणि त्यांना एक बरो सपोर्ट दिवपाचे प्रयत्न करतले. वेजिटेबल वेंडर्स आता ते म्हणटा सिजनल असतात पळय ते हायवेचेर खंय बाबडी बसतात आणि बिझनेस करतात त्यांना सुद्धा एक प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर एक टेम्पररी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्धा असपास जाव असे आमचे मत असा. आता आम्ही स्लोली डोर टू डोर वचून एक डेटाबेस तयार करतली अनऑर्गनायज सेक्टर जे लोक आहात पळय कारण आमच्याकडे आता आम्ही वी टॉक इन द एअर म्हणतात तसे आमच्याकडे तसं डेटाबेस कायच ना. तो डेटा घरोघरी वचून डेटाबेस तयार करतले त्यांचे इश्यू जे किती असा पळय ते हायलायट लिस्ट आउट करतले आणि त्यांना हेल्प लाईक थ्रू अवेअरनेस कॅम्प्स जाऊन कुठली स्कीम्स असतात तरी यु नो ॲट पर्टिक्युलर स्ट्रॅटेजिक लोकेशन आहात पंचायत बॉड हितूर बीन वाढून म्हणजे तसे आम्ही अवेअरनेस कॅम्प्स बीन एक ऑर्गनायज करतले. इतके सांगून हा म्हणता की आज परत एकदा थँक्यू म्हणता आमचे चेअरमॅन सर आणि मॅडमी की इनिशिएटिव्ह घेतले आणि आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या त्यांच्यानी हे अनऑर्गनायज सेक्टरात किती तरी आम्ही काम करतले आणि त्यांचा स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग जो असा पळय तो इम्प्रूव्ह करपाचे आम्ही प्रयत्न करतले. देव बरं. फार्मर्स मातशे इश्यू जायता तांकां कितको शेअर करूं शकतलो नवे कॉन्सन्सी ना फार्मर्स जायते आहाय जायते स्ट्रगल जाले लोकल MLA हेल्प करून ना आमच्या वतना कितें हेल्प करूं जाता फार्मर्स इश्यूज विल ऑल्सो बी टेकन अप बिकॉज दे ऑल्सो फॉल इनटू अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर सो दे ऑल्सो विल फॉल अंडर आवर परव्यू. मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो कैजुअल लेबर्स होते हैं डेली वेजेस पे जाते हैं उनके लिए कुछ सिस्टम नहीं होता है जो पे रोल या उनका PF का कुछ तो उनका भी इशू लेना चाहिए. और आज जो गवर्नमेंट जो मोदी की गवर्नमेंट चालू है जो लेबरों के अगेंस्ट उन्होंने अलग अलग जो एक्ट निकाले जो हानिकारक एक्ट है लेबरों के लिए उनके ऊपर भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा ध्यान देगा तो अच्छा होगा. जैसे उनका पे स्केल है जो अभी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से उनका पे स्केल नहीं है वो डबल होना चाहिए. जो थोड़े केमिकल फैक्ट्रीज है वहाँ पे अभी ऑलरेडी 44 आवर्स ड्यूटी है वो अभी मतलब 48 आवर्स कर रहे हैं ये कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर है. तो ये सब अगर हमारे इससे देखा जाए तो थोड़ा सा हेल्प हो जाए तो अच्छा होगा. President, so we would like to ask you a question, sir, about the Goa mention of the normal taxi driver. So what is your benefit for them? So the drivers under the Goa miles as well as the drivers under normal taxi will also fall into unorganized sector. As long as they don't own the car that they are driving, they fall in the unorganized category.
we will be taking up that issue. Mr. Sachin Hargi. Hi, my name is Sachin Hargi. Basically, I belong from the hospitality industry background. And there are a few factors which are not been taken up and has been pressurized for the workers who work for the hospitality industry. And as you know, WM is the constituency where the Goa is the airport, and taxi has a major issue with it. So we have been going ahead and looking forward to see into it and get resolved as soon as possible. Thank you so much. So I would like to conclude today's press conference by also bringing notice of the press to this pressing issue that is happening in Goa right now. On the 29th of July this year, Government of Goa launched a COVID scheme for the unorganized sector, and in that, in Schedule A, they listed 69 traditional Goan occupations. In Schedule B, C and D, they listed another 10 occupations, and they have mentioned that they will give a one-time settlement of 5,000 rupees. There is no time stipulation, no time duration as to whether this is going to be a monthly amount. Nothing is mentioned. So if you say 5,000 rupees as a one-time settlement, ye ek bhatta mazak hai. This is a serious joke that is being done with the unorganized workers in Goa. And it doesn't stop there. To get access to this particular scheme, you have to go first take the signature of the panchayat secretary. Then after that, you have to go and prove with your identity. First of all, if the worker will have the proof of their profession or not, that is questionable. Then they have to get signature of the panchayat secretary. After that, you have to go to the district committee, where again you have to get approval from there. So this is the situation that the government of Goa has put unorganized workers into, that they have to run from office to gain access to just 5,000 rupees as a one-time settlement. I think there cannot be any bigger joke than this, that the BJP government can play with the people of Goa, especially the unorganized sector. And we will not stand for this. And this is exactly what we are going to do going forward. We are going to expose these bad jokes that the BJP government likes to play with the unorganized workers, especially. Thank you so much. So, what help will you suggest? How much you mean to say? How much they should get? What do you feel? What is your proposal? See, we have been demanding in the 2019 election. Rahul Gandhi ji had proposed the Nyay Yojana of 6,000 rupees per month to the family, you know, and we still stand by that, because after this COVID thing, and particularly with this unplanned lockdown and municipal rules and regulations, the unorganized workers have been suffering a lot. And we have been demanding that these families who have been affected should be provided with a monthly benefit of rupees 6,000 on a continuous basis. And this will benefit the economy in two ways. One, these families will have money to survive, you know, in a good way, so that they can take care of their kids and all. And second, with their money in hand, they will be able to spend, and this will generate the supply also. You know, so it is beneficial to the economy and beneficial also to the unorganized workers' families. So this Nyay Yojana, we still stand with this demand. We still say that this Yojana, the income support Yojana, and if you look at the entire sector, that what has been government response after this COVID outbreak, you know, the response to support the people has been very weak, very, very weak. And we feel that with the vulnerable communities, the response would have been much better, you know, in terms of providing income support. These 6,000, Rahul Gandhi has declared in 2019 Lok Sabha elections, he demanded that this was part of our Congress manifesto, and we still stand by that, and particularly after the COVID outbreak, that this Nyay Yojana, the Government of India should have taken cue and should have implemented immediately. Now look that the chief economic advisor of Government of India has resigned.
because he is unable to defend the government, because there is no step being taken by government. Yesterday I met a friend many years, he runs a hotel here. He is saying that hospitality sector has not received any support from the government, you know. So he was talking about his sector, but if you look at any sector, the support from the government that was coming, particularly from Government of India and also from the state government, has not been very forthcoming. Like, I'll give you another example. We demanded from the Rajasthan government that the street vendors should be given a large, all the micro entrepreneurs should be given some money to run their business. You know, and they have begun a loan of 50,000 rupees. Now, Government of India has a loan of 10,000 rupees. Many people are not interested in taking that 10,000 rupees loan because that will not help them to restart their business. You know, so the economic recovery thing which the government should be doing, whether it's national government or the state government, that economic recovery thing has not happened. So will you push for this Nyaya Yojana? Yes, we stand by it. We still have feel, you demanded with the central government? Yes, we have written to them. We feel that this kind of, it is not only this kind of income support program should be there, and they should be able to provide continuous support to such families, particularly the vulnerable families of the unorganized sector. जिस तरह से गोवा के अंदर लेबर का भी जो प्रॉब्लम चालू है, तो उस कैसा देख रहे हैं आप? जिस तरह से पायलट वाले जो अनऑर्गेनाइज लेबर है, बाकी की भी जो अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन लेबर से इंक्लूडेड इन दिस कंस्ट्रक्शन, तो उनको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं यदि गोवा को मैं बाहरी के निगाह से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे टूरिज्म का बहुत है और पोटेंशियल भी है. टूरिज्म हो भी बहुत रहा है और पोटेंशियल भी है. और मैं पर्सनली फील करता हूँ, और हमारे डिपार्टमेंट का यही कोशिश है कि इस जो भी अपॉर्चुनिटीज आते हैं उससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इंटीग्रेट करना चाहिए, है ना. जैसे मैं अपने फैमिली के साथ आया हूँ, मेरी बेटी बोली थी यार दिल्ली हाट जैसा कोई आर्टिजन्स का जगह नहीं है, शी वॉन्टेड टू गो टू सच प्लेस, है ना. तो हम जब कोई टूरिस्ट आता है, तो टूरिस्ट को क्या हम आर्टिजन्स को अपना शोकेस नहीं कर सकते हैं, जहाँ टूरिस्ट जो है आर्टिजन्स का सामान खरीदे. हम अपने मार्केट्स में, स्ट्रीट वेंडर्स के मार्केट्स जो ट्रेडिशनल हेरिटेज मार्केट्स है, वहां पे हम टूरिज्म नहीं करा सकते. बहुत अच्छा से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लोग केवल बड़े रेस्टोरेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं. हम गोवन लोकल फूड का स्ट्रीट फूड वेंडर्स के थ्रू क्यों नहीं सेल करा सकते हैं? फूड स्ट्रीट क्यों नहीं बना सकते हैं यहाँ पे? तो दैट इज व्हाट आवर डिपार्टमेंट स्टैंड्स फॉर, यू नो, that the opportunities that are being created, whether it is through tourism, whether it is through urbanism, whether through any other, whatever opportunities are being created, such opportunities should be integrated. You know, the unorganized workers should be integrated with these opportunities. I'll give you one example. Today morning, a journalist from Delhi had rung up, and he was telling me that this common service centers, now they are trying to integrate common service centers with telemedicine. They have a proposal and it is at a very advanced stage, and people will be they are going to hire some companies and they will train them. I suggested that, you know, that if you are going to integrate telemedicine, then why not give up? I don't know in Goa they are or not, but in 99% of India, I have seen jhola chhap doctors, you know, that the local ones, you know, and they provide the first help. So why not integrate them into telemedicine, rather than you create a new brigade and have conflict with that, you know. So livelihood for the unorganized sector, we feel, should be strongly integrated with tourism in Goa, and there are immense potential. And if Congress party comes to power, I promise you that we'll get all these new ideas integrated into this, into tourism, you know, whether it is creating huts for artisans, whether it is creating street food of Goan, for street food vendors of Goa, you know, and all new ideas, whether it is like village tourism, you know, so all new kind of ideas should be, so that the common people are able to make use of, not only people who have money. People who have money will make money wherever, you know, but it is for the government to take care of the vulnerable, the unorganized, people who are disempowered, you know, people who are marginalized. Thank you so much.